अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वैकेंसी आप तक पहुंच सके। आज मैं आपको बताऊंगा जो वैकेंसी आई है बाहर या यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसके लिए आपने कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले आपने गूगल या क्रोम किसी एक को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने जॉब अपडेट लिख कर सर्च करना है। जॉब अपडेट लिख कर आपने जब सर्च करना है तो आपके सामने पहली वेबसाइट है जॉब अपडेट डॉट सी के, इधर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उसका ओपन हो जाएगा पेज और ये है लेटेस्ट बारिया यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट 2021, इधर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। बारिया यूनिवर्सिटी हैज अनाउंस मल्टीपल जॉब पोस्ट फॉर क्लर्क, सीनियर क्लर्क एंड फैसिलिटी मेंबर, मतलब बहुत सी वैकेंसीज हैं जिनमें सीनियर क्लर्क, क्लर्क और फैसिलिटी मेंबर है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर लेटेस्ट बारिया यूनिवर्सिटी जॉब 2021 बिफोर 14/12/20, मतलब 14 दिसंबर 2021 से आपने पहले पहले अप्लाई करना है। जॉब डिटेल जो है वो है सोर्स जंग न्यूज पेपर पे इसका एड आया था। कराची जो है जॉब लोकेशन है, हेयरिंग ऑर्गेनाइजेशन बारिया यूनिवर्सिटी है और लास्ट डेट 14 दिसंबर है। क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट बैचलर और MSc PhD मांगे। जॉब टाइप गवर्नमेंट परमानेंट है। एलिजिबल क्राइटेरिया फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान कैन अप्लाई फॉर द लेटेस्ट बारिया यूनिवर्सिटी विजिटिंग फैसिलिटी पर्ची, मतलब पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं। रेलिवेंट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस मेंशन्ड अगेंस्ट ईच पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके रेलिवेंट आपने क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मेंशन करना। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो CNSE की कापी है, डोमिसाइल की कापी है, 2000 पासपोर्ट साइज तस्वीरें, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और CV भी आपने लगानी है साथ, और एप्लीकेशन फॉर्म भी। एप्लीकेशन फॉर्म किधर से मिलेगा वो भी आपको बताता हूँ मैं, वो उनकी वेबसाइट से मिलेगा। किस तरह डाउनलोड करना है वो तरीका भी आपको बताता हूँ। ये वैकेंसीज हैं क्लर्क और सीनियर क्लर्क की, एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा हुआ 2 साल और 3 साल का, इंटरमीडिएट और बैचलर जो है, क्वालिफिकेशन मांगी हुई है। फैसिलिटी मेंबर की मल्टीपल वैकेंसीज हैं और मास्टर MSc और PhD मांगी है, और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इधर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी barya.edu.pk। क्लिक करने के बाद उनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी आपने यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करके आपने जॉब अस पे क्लिक करना है। जब आप जॉब अस अबाउट अस पे क्लिक करेंगे तो अबाउट अस पे क्लिक करने के बाद ये जॉब्स का ऑप्शन आएगा, इधर आपने क्लिक करना है। जॉब के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जॉब डिटेल की आप पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद ये नीचे एप्लीकेशन फॉर्म पड़े हुए हैं, ये देखें, डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म एंड सेंड इट अलोंग विद योर CV और मेलिंग एड्रेस, मतलब जिस पर आपने सेंड करनी है। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, जैसे ही आप जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उधर आपने क्लिक करना है। जैसे कि आपने फैसिलिटी के लिए अप्लाई करना है तो आप इधर क्लिक करेंगे। आप क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद वो फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, वो PDF फॉर्म डाउनलोड होगा। ये फॉर्म है इनका, ये PDF फॉर्म, इसको आपका ने प्रिंट निकलवाना है। प्रिंट निकलवा के आपने इधर अपनी तस्वीर और डिपार्टमेंट स्पेशलाइजेशन और नेम फादर नेम इसे फिल करना है। फिल करने के बाद आपने इसके साथ तस्वीरें अटैच करनी है, 2 पासपोर्ट साइज तस्वीरें और अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, जो मतलब CNSE की कापी, पासपोर्ट साइज तस्वीरें, एजुकेशनल सर्टिफिकेट और एप्लीकेशन फॉर्म और CV। CV भी साथ आपने ज़रूर अटैच करनी है, उसमें आपने एक्सपीरियंस भी मेंशन करना है। ये इनका ऑफिस एड्रेस है, बारिया यूनिवर्सिटी कराची कैंपस 13 नेशनल स्टेडियम रोड कराची। नीचे टेलीफोन नंबर भी उन्होंने दिया हुआ है, अगर आप कॉल करके भी कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट पेज है, इधर आपको ये बताया भी गया है कि 14 दिसंबर 2021 लास्ट डेट है। ये वैकेंसीज थी बारिया यूनिवर्सिटी की तरफ से, आपको बता दिया गया है किस तरह अप्लाई करना है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर नए आने वाली वैकेंसीज आप तक पहुंच सकें। लाइक शेयर और कमेंट लाजमी करें। थैंक यू सो मच।